Hey guys, good morning, क्या हाल चाल, सब अच्छे हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ यार। और भाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइनक्राफ्ट के कमाल के टॉप 10 मिथ्स, जो कि यार काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। जी हाँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर बॉस एंड तक देखना। और भैया अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से कर दो। हाँ, 5000 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है, करवा देना यार, मुझे मालूम है आप करवा दोगे। एंड अगर आप लोग चाहते हैं आपका मिथ मैं अपनी वीडियो में लूं तो क्या करना है, जल्दी से माइनक्राफ्ट के नए नए बढ़िया बढ़िया मिथ्स आप लिखना शुरू कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस में उनको हम ले सके। ठीक है भैया, आ जाओ शुरू करते हैं। आप स्टिकी पिस्टन से साइन बोर्ड को पुश नहीं कर सकते हो क्या ब्रो? ऐसा है क्या? चलो चलो यार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने साइन बोर्ड एंड स्टिकी पिस्टन ले लिया है, अभी चलिए इनको इस जगह पे लगा लेते हैं। अरे नहीं ब्रो, यहाँ पर तो पिस्टन ने साइन बोर्ड को पुश कर दिया। वाला बेडरॉक वर्जन में पिस्टन से साइन बोर्ड को पुश कर सकते हो, लेकिन जावा एडिशन में पिस्टन से साइन बोर्ड पुश नहीं होता है यार। इसका मतलब ये है कि ये वाला मिथ हाँ कंफर्म्ड है। अपेंडर चेस्ट को टीएनटी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। अच्छा ऐसा है? वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप नॉर्मल चेस्ट की साइड में टीएनटी ब्लास्ट करते हो ना, तो वो चेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। आइए इसे अंडर चेस्ट के साथ करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने अंडर चेस्ट एंड टीएनटी ले लिया है, आइए इनको लगा कर देखते हैं कि क्या होता है भैया। तो हमने अंडर चेस्ट एंड टीएनटी को लगा लिया है, आइए फ्लिंट एंड स्टील से इसे ब्लास्ट करके देखते हैं। ओ भाई साहब यार, सच में यार ये तो पूरा एरिया ब्लास्ट हुआ, लेकिन हमारे एंडर चेस्ट को टीएनटी से कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि टीएनटी से एंडर चेस्ट नहीं टूटती है। Hence the myth is confirmed. माइनक्राफ्ट में पानी के अंदर टीएनटी ब्लास्ट नहीं होता है, अगर आप पानी में टीएनटी के ऊपर सैंड रख के ब्लास्ट करोगे तो वो ब्लास्ट होगा। ओ भाई ऐसा क्या, चलिए ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सैंड एंड टीएनटी है, चलिए पानी में चलते हैं। तो सबसे पहले विदाउट सैंड रख के इसे ब्लास्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टीएनटी ब्लास्ट नहीं हुआ है, अभी आइए सैंड को टीएनटी के ऊपर रख कर देखते हैं। अरे वाह यार नाइस, यहाँ पे तो ऐसा करने से पानी के अंदर भी टीएनटी ब्लास्ट होता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। अगर आप इवोकर के सामने शिप्स को ब्लू कलर कर देते हो तो ये इवोकर उन्हें रेड कलर का कर देता है। क्या यार ऐसा कैसे हो सकता है, चलिए जरा हम भी तो ट्राई करके देखें। ऑलराइट, तो हमारे पास इवोकर एंड शिप्स का स्पॉन एग है, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। अरे यस ब्रो, आपकी बात तो सच है यार, यहाँ पे अगर हम इवोकर के सामने शिप्स को ब्लू कलर करते हैं तो इवोकर उन्हें अपने जादू से रेड कलर कर देता है। इट मींस दिस मिथ इज कंफर्म्ड। अगर आप नॉर्मल स्केलेटन को पाउडर स्नो के ऊपर रखोगे तो वो स्ट्रे स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ऐसा है, चलो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पाउडर स्नो एंड स्केलेटन स्पॉन एग है, अभी आइए इसे पाउडर स्नो के ऊपर स्पॉन करके देखते हैं। अरे हाँ यार, यहाँ पे तो ये स्केलेटन स्ट्रे में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अगर हम स्नो पाउडर के ऊपर स्केलेटन को स्पॉन करते हैं तो वो स्ट्रे में कन्वर्ट होता है। इट मींस दिस मिथ इज कंफर्म्ड। स्टेप 1, किसी भी विलेज में जाओ। स्टेप 2, आप ब्लैक स्मिथ के घर में जाओ। स्टेप 3, आप ऊपर वाले छत को तोड़ो। रिजल्ट, आपको वहाँ पे एक सीक्रेट चेस्ट देखने को मिलेगा। क्या, मुझे नहीं लगता यार ऐसा कुछ भी होगा, बट आपने बोला तो चलिए इसे ट्राई करके देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम इस विलेज में आ गए हैं एंड यहाँ पे भैया ब्लैक स्मिथ का जो घर है वहाँ चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाला चेस्ट तो है, लेकिन आपने चेस्ट पे बोला है तो देखते हैं। अरे यार यहाँ पे तो कोई भी सीक्रेट चेस्ट नहीं है, शायद इस वाले में नहीं होगा, चलिए दूसरे वाले में देख लेते हैं। ठीक है, अरे नहीं ब्रो, यहाँ पे भी ऐसा कोई सीक्रेट चेस्ट नहीं है। इट मींस दिस मिथ इज बस्टेड।
आर्मर स्टैंड को किसी भी पानी वाली जगह के पास लगाओ और उसमें ग्लास को इक्विप करो। रिजल्ट, ऐसे करने से आप पानी के अंदर आर पार देख सकते हो। ओ, अच्छा चलिए देखते हैं भाई। तो यहाँ पर हम पानी के पास आ गए हैं, आइए आर्मर स्टैंड को लगाकर ग्लास इक्विप करते हैं। अरे भाई साहब यार, सच में यार, यहाँ पे तो हमें पानी के अंदर आर पार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला मैथ कंफर्म्ड है। माइनक्राफ्ट में विलेजर्स नेदर के अंदर भी बेड के ऊपर सो सकते हैं। क्या भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्योंकि अगर हम नेदर के अंदर बेड यूज करते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है, तो विलेजर्स कैसे सो सकते हैं? भाई यार बड़ा कमाल का मत लग रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम नेदर में आ गए हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, अगर हम नेदर में बेड पर सोते हैं तो क्या होता है। बूम, यहाँ पे आप देख सकते हो यार, ब्लास्ट हुआ। अभी चलिए बेड को लगाते हैं एंड विलेजर को स्पॉन करते हैं। अरे वाह ब्रो, यहाँ पे तो ये विलेजर नेदर के अंदर भी बेड के ऊपर सो गए एंड बेड फिर भी ब्लास्ट नहीं हुआ। बढ़िया यार, इसका मतलब ये है कि ये वाला मैथ कंफर्म्ड है। स्टेप वन, सबसे पहले एक एंड पोर्टल बनवाओ। स्टेप टू, अब उस एंड पोर्टल के बीच में एक 3x3 का नेदर पोर्टल बनवाओ। स्टेप थ्री, अब नेदर पोर्टल को एक्टिवेट करो। स्टेप फोर, एंड अब आई ऑफ सेंटर से सैंड पोर्टल को भी एक्टिवेट करो। रिजल्ट, ऐसा करने से एक ही जगह पर दोनों पोर्टल एक्टिवेट हो जाएंगे। ओ भाई सब काफी खतरनाक मत लग रहा है यार, चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो हमने सारी चीजें ले ली हैं, चलिए सबसे पहले एंड पोर्टल को बनाते हैं एंड उसके ऊपर नेदर पोर्टल को। तो हमने दोनों पोर्टल को बना लिया है, चलिए इनको एक्टिवेट करके देखते हैं। अरे भाई ये क्या है यार, यहाँ पे ये दोनों पोर्टल एक साथ एक्टिवेट हो गए। ग्रेट ब्रो, यानी कि ऐसा करने से एक साथ दोनों पोर्टल एक्टिवेट होते हैं। इसका मतलब ये कि ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। अब ग्लास के ऊपर लैडर नहीं लगा सकते हो। अच्छा ऐसा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लास एंड लैडर है, आइए इसको ग्लास के ऊपर लगा कर देखते हैं। Yes guys, हम ग्लास के ऊपर लैडर को नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये है कि ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। तो गाइस कैसे लगी आपको ये माइनक्राफ्ट के मिथबस्टर्स वाली वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भाई देखो, अगर आप भी चाहते हो हम और वीडियो बनाए तो जल्दी से कमेंट में माइनक्राफ्ट के मिथ्स आप लिखना शुरू कर दीजिए, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो जिससे आपसे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना हो। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट, बाय बाय।